मैं तुझे बताता हूँ क्या करना है। माचिस की तीली जब तक माचिस में रहती है उसमें आग नहीं लगती ना, वो तभी जलती है माचिस से लिपट के खुद जब रगड़ती है। बात समझ में आई? मैंने जोजो से पैसे उधार लिए थे, आज सारा हिसाब चुका दूंगा, ये वादा भी किया था। कौन सा जोसेफ है ये, और मैं इसे कैसे नहीं जानता? अरे अपने गांव में नया है रे, उसी के पैसे देने हैं। उसने तेरे को पैसा दिया था? मुझे यकीन नहीं होता। ये चल। ये। क्या हुआ दोस्त? क्या कर रहा था पीछे खड़ा हो गया? कुछ नहीं। कहाँ है वो? अगली गली में। दिमाग में नहीं आ रहा किस गली में ले जाऊं इसे। अरे कहाँ ले जाऊं, कहाँ ले जाऊं? भाई इसमें नहीं, अगली गली में। हाँ। ये तो तूने पिछली गली में बोला था। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था। मगर मैं अब नहीं कहूंगा भाई। चल। हाँ, चलो। क्या हमारे मिलन के सपने देख रहा है? याद रख, फिर ऐसी कोशिश भी मत करना वरना गर्दन तोड़ दूंगा, समझा? माचिस और तीली की तेरी बातों में कोई दम नहीं, बकवास है ये। उससे दिल जलाने के लिए सिगरेट ही जल सकती है। ए जाल खोल के दे। हाँ दे रहा हूँ। ए खोल के देना। ए तू इधर आई? हाँ इधर आ। हाँ आया, अभी समेट के रख देंगे। सुबह जो झटका लगा था उसी का दर्द अभी बाकी है, अब और क्या करने वाला है? लेना उसको इधर। बोलना क्या हुआ? तो रहा हूँ सकरई। हाँ बोलना भाई। कुछ नहीं। शर्मा क्यों रहा है? मेरा बटन छोड़। बोल क्या बात है? अरे वो बता क्या हुआ, बोल। वो हाँ मुझे आ गया। क्या आ गया तुझे? वही आ गया मुझे। उसके लिए मेरे दिल में मुझे पहले ही पता था, पता था तुझे उस पे प्यार आ ही जाएगा। चल अब सर उठा। अच्छा सुनना, मेरा एक काम करेगा तू? बोलना भाई। मैं चाहता हूँ कि बोलना, उसे मिलना है। बोल, आराम से बोल। मुझे उसे मिलना है। इतनी सी बात? मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। रुकना। अभी नहीं। जानता है वो बहुत अच्छा मसाला चावल बना। उससे कहना वही बना कर ले आए रात को। कितना प्यार करते है तू इससे। तेरा काम बन गया बहना, तेरा काम बन गया। बा, 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 बा। आज पता नहीं कैसे मेरे बेटे ने खाना मंगवाया है, पर ये है कहाँ? खैर आ जाएगा, मैं इसे यहीं रख देती हूँ। चलो 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 चलो। सच में उसने मुझे बुलाने को कहा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे कमबख्त यहाँ क्यों आ रही है? मुझे बुलाएगा? बुला रहा भाई। मैं इसे आज नहीं छोड़ूंगा। भाई कहाँ गया वो? वो आ जाएगा, तू बैठ। ए उसने ये बात कही कैसे थी? तू फिर से शुरू हो गई, ये बात 50वीं बार पूछ रही है। बस एक बार और बता देना। तूने उसकी शर्मीली आंखें देखी नहीं? मैंने उसे इतना शर्मीला कभी नहीं देखा। होश उड़ गए थे उसके। हाँ अरे उसके नजर के जादू से तो मुझे नशा हो गया था। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, घड़ी घड़ी तेरे बारे में सोच सोच के पागल हो रहा था, मगर ये अब तक आया क्यों नहीं?
आ गया रे। कहाँ जाएगा? वो तो अपने घर से ही आ रहा होगा ना। अरे हाँ, घर से निकलना मुश्किल हुआ होगा। सीली बिना है घर में, हर वक्त चौकन्नी रहती है कि कोई उसका अप्पम चुरा ना ले। हर वक्त यही डर मैं उसकी आंखों में देखता हूँ। और क्या, वो तो समझती है उसका अप्पम फाइव स्टार के पकवानों से भी अच्छा है। अरे मुझसे पूछ, उस अप्पम को खाने के बाद क्या होता है पेट में। अच्छा, कुछ दिन रुक जा, घर में घुसते ही देख लेना, मैं उसके अप्पम का धंधा उसका चूल्हा तोड़ के बंद करवा दूंगी। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी हो जाए, मुझे भरपेट खाना मिले। और हाल ये होगा, फिर वो बेचारी सीली खाने के लिए मेरे आगे पीछे घूमेगी। अरे ओ करमचंदी, मुझे खाने के लिए तरसाएगी तू? मेरे बेटे ने इसीलिए मुझे यहाँ भेजा था। रुक, तुझे बताती हूँ मैं, मेरा चूल्हा तोड़ेगी। अरे अब भाग का रही है, तू मेरा चूल्हा तोड़ेगी अभी बताती हूँ तुझे। मेरे घर में आकर मेरा ही धंधा बंद करवाएगी तू? फिर से कभी मेरे घर की तरफ नजर भी उठाई ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी, समझी? वाह यार, मुझे झांसा देकर पहले चर्च ले जाता है, फिर उस उधारी के लिए गली गली घुमाता है जो कभी थी ही नहीं। तुझे लगता है जैसे पनी मलार कोई बहुत बड़ी हीरोइन है, हाँ? ए, अब बोलना, फिर कभी ले जाएगा मुझे ऐसे फालतू कामों के लिए? ए मरियन, एक बात पूछू क्या? एक क्यों पूछता है, ज्यादा पूछना। सीरियस बात में तुझे कॉमेडी सूझ रहा है? अरे नाराज मत हो मेरी जान, बोल क्या पूछना है, बोल। पन्नी को तुझसे ब्याह करना है, वो प्यार करती है, दीवानी बनी घूमती है, तू घर क्यों नहीं बसाता? इतनी उम्र हो गई तेरी, मगर बुद्धि अब तक नहीं आई। वो मेरे साथ खुश नहीं रहेगी। थोम्मई को मेरे बाप का कातिल मानकर उसे दिन रात बद्दुआएं देती रहती है मेरी माँ, फिर क्या वो पनी को अपनी बहू बनाएगी? माँ से लड़कर मैं पनी को अपने घर ले भी आया तो क्या मेरे घर में वो सुखी रह पाएगी? जी लेने देना उसे शांति से। अपने नसीब में तो समंदर के थपेड़े हैं। याद रखो, अगर तुम दोनों को मेरे साथ रहना है तो दोनों में से कोई भी प्यार मोहब्बत की बात नहीं करेगा, समझ गए? अरे बाप रे, मुझे पीटेगा क्या? घूर क्या रहा है? जा जाके सो जा। चल जल्दी कर, अगले 48 घंटों में तूफान आने की आशंका है। मछुआरों को ये चेतावनी दी जाती है कि वे समुद्र में ना उतरें। ओ थम भाई, बापू घर पे नहीं है, क्या बात है? देख बेटा, मौसम कितना खराब हो रहा है, और ऐसे में वो मरियन है कि तुम्हारी बोट लेके गहरे समुद्र में जा रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? और ये बात तुम बापू को जरूर बता देना। हाँ सुनिए, अरे बेटा तुम परेशान मत हो, वो लोग समुंदर से ठीक ठाक लौट आए हैं, उनकी बोट जरूर टूट गई है, पर चिंता मत करो, जाओ सो। भाई बहुत शर्म आ रही है, हमने थोम्मई की बोट तोड़ दी, पूरा गांव हम पे हंस रहा है। भाई भाई कुछ बोलना, बोलना भाई, बोलना। कोई बहुत शर्म आ रही है तुझे? तो फिर अब कभी मेरे साथ मत आना। अरे भाई शर्म आ रही है इसे, मरियन को कोई शर्म ही नहीं है, बेशर्म हूं मैं,
तू ऐसे कैसे चला गया समंदर में? जानता भी है मेरी जान अटकी पड़ी थी, तूफान में यूं मरने जाने की क्या जरूरत थी? घूंगा एक खींच के। चल जा यहां से। ए, तू आखिर खुद को समझता क्या है? वो कौड़ी का मछुआरा हूं क्या है? मुझसे प्यार करती है? फक्कड़ हूं मैं। चल निकल ले यहां से। तुझे कुछ नहीं हुआ ना? बस तुझे जिंदा देखना था। अब जा। भागी यहां से तीर। जा ना। तेरे पास है क्या? नहीं नहीं मेरे पास नहीं। ओए क्या हुआ? माचिस है क्या? हाँ है, आजा आजा। ना दे मुंह में। तेरा जवाब नहीं है मरियन। तेरे को मालूम समुंदर और मोहब्बत एक जैसे होते हैं, जब देखो ताजा दिखते। सच कह रहा हूँ। आज तो तुम बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो। ये बात मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। तजुर्बे से? तो फिर अब तक तुम अकेले क्यों हो? दिल में मोहब्बत उठनी चाहिए, इन समुंदर की लहरों की तरह। असली ताकत यहीं से आती है। आदमी को कामयाब होने के लिए माशूक की मोहब्बत में फना होना पड़ता है। क्या बात है, कौन थी तुम्हारी माशूका? सुन रहे ये बुजुर्ग क्या कह रहे हैं? आदमी को कामयाब होने के लिए माशूका की मोहब्बत में फना होना पड़ता है। बस बनकर।